नमस्कार, एनबीसी न्यूज के टॉप 10 न्यूज में आप सभी का स्वागत करते हैं। सुबह की शुरुआत एनबीसी की खबरों के साथ, जानेंगे देश विदेश की खबरें एक साथ। गुजरात में प्रत्याशी को छोड़ मोदी के नाम पर वोट क्यों मांग रही है बीजेपी, कांग्रेस चीफ खड़गे का सवाल। श्रद्धा हत्याकांड आफ्ताब का स्पेशल, रोहिणी में चल रहा है पॉलीग्राफ टेस्ट। छत्तीसगढ़ उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम को अरेस्ट करने का काकेर पहुंची झारखंड पुलिस। चीन में भारी विरोध प्रदर्शन के बीच दर्ज किए गए 40,000 नए कोविड केस। पश्चिम बंगाल के हुगली में आधी रात को कूड़े के पहाड़ में लगी भीषण आग, कई लोग अस्पताल में भर्ती। लखनऊ के मदरसों में पढ़ने वाले 1 से 8 क्लास के बच्चों की छात्रवृत्ति की गई बंद। भारत जोड़ो यात्रा के बीच आज राहुल गांधी इंदौर से करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन। अमेरिका के माउंट गोमरी काउंट्री में विमान बिजली के तारों से टकराया, 90,000 घरों की बिजली हुई गुल। कोविड-19 बंधुओं का विरोध जारी, शंघाई में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव जारी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुजरात में 4 जगहों पर होगी चुनावी जनसभा।